महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में 1919 और 1920 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, तब उन्होंने खिलाफत आंदोलन का जो सपोर्ट किया, ये गांधी जी ने बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल की थी, क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार भारत में कोई लीडर जो है एक सांप्रदायिक आंदोलन को, एक धर्म के आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था, जिससे कि हमारे देश का कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी ने इसलिए ऐसा किया था कि ताकि असहयोग आंदोलन में उनको जो है मुसलमानों का भी सहयोग मिल सके, और अंग्रेजों की जो नीति रही है फूट डालो और राज करो, उसमें भी वो सेध लगा सके, और इसी के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एक साथ एक मंच पर आकर के असहयोग आंदोलन के साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को लड़ सके अहिंसात्मक रूप से। लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा भारत देश के लिए खतरनाक साबित हुई। असलियत ये है कि उस समय जहां पर आज तुर्की देश है, जहां इजराइल है, जहां जॉर्डन है, जहां पैलेस्टाइन है, इन सब क्षेत्र में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसे ओटोमन एम्पायर या ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था। उस समय वहां के जो सुल्तान थे अब्दुल हमीद सेकंड थे, द्वितीय थे, अब्दुल हमीद द्वितीय, वो 1842 से लेकर के 1918 तक ओटोमन एम्पायर में सुल्तान रहते हैं, उनका वहां पर राज्य चलता है। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद जो मित्र राष्ट्र थे, जैसे उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये अब जो है अब्दुल हमीद द्वितीय को ओटोमन के साम्राज्य से हटाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने वहां पर अपना काम करना शुरू कर दिया था। उस चीज के विरोध में अब्दुल हमीद द्वितीय ने पूरी दुनिया भर में मुसलमानों का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए हर जगह पर उन्होंने अपना दूत भेजा, और भारत में भी उनके सपोर्ट के लिए जो है भारत में भी उन्होंने दूत भेजा। लेकिन भारत के मुसलमान जो है अब्दुल हमीद द्वितीय का सपोर्ट करने लगे, उन्हें आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था, असहयोग आंदोलन से मतलब नहीं था, लेकिन तुर्की का जो साम्राज्य, जो कि पहले ओटोमन साम्राज्य कहा जाता था, उसमें उनको बहुत दिलचस्पी थी और उसके लिए लड़ाई लड़ी गई। लेकिन ओटोमन जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, वह खत्म तो हो गया, लेकिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में जो है सांप्रदायिक आधार पर किसी एक धर्म के लिए पहली बार इस तरह से सारे के सारे जन समुदाय ने मिलकर के एक साथ काम किया था, जो कि बहुत ही खराब काम था अगर हम किसी भी स्तर पर इसको देखें, क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही खिलाफत आंदोलन का विरोध कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुसलमान उस समय पर भी थे जो कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अंततः जब 1922 में चौरी चौरा में जब हिंसा हुई, हिंसा होने के बाद गांधी जी ने जब अपने असहयोग आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया, तब खिलाफत आंदोलन भी भारत से समाप्त हो गया। लेकिन गांधी जी की ये सबसे बड़ी भूल थी।